नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय शहर के मुख्य चौक कमेटी चौक पर हम खड़े हैं। इसको बोलते हैं शहीद स्मारक विकास भारद्वाज का चौक भी इसको कहा जाता है। और आज से कुछ दिन पहले हमने आवाज़ उठाई थी कि तूफान आने की वजह से आज से 18-20 दिन पहले ये नीम गिर गया था, ये पेड़ गिर गया था। पेड़ गिरने की वजह से ये ग्रिल टूट गई थी, पूरी की पूरी दीवार गिर गई थी और प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं था। और फिर राजू डोर समाज सेवी जो है आगे आते हैं और प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि 5 तारीख तक का, और 5 तारीख तक यदि प्रशासन या कहीं कमेटी के द्वारा ये पहले जैसी दीवार नहीं बनाई गई तो हम अपने लेवल पे इसको बनाएंगे। और वहीं प्रशासन की ओर इसका ध्यान जाता है जो कि नहीं गया हुआ था पहले, फिर ध्यान जाने के बाद इस पर तुरंत प्रभाव से खबर का असर होता है और इसको पहले जैसा बनाने के लिए यहाँ पर मिस्त्री और मजदूर यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं सुचारू रूप से कार्य जारी है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं राजू डोर जो समाज सेवी हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आवाज़ आपने उठाई थी राजू डोर जी, काम अब सुचारू रूप से जारी है, किससे क्या आपकी बात हुई या क्या कहना चाहोगे जी? नमस्कार। देखिए, 2-3 दिन पहले ही हमने ये आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर शहीदी स्मारक के पास ये दीवार टूटी हुई है और कमेटी के बिल्कुल सामने थी। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कैथल ब्रेकिंग टीवी का, जिन्होंने हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई। और उसके बाद प्रशासन का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनकर, और आज तीसरा ही दिन है, हमने 5 तारीख तक की कहा था कि 5 तारीख के बाद कोई विरोध भी नहीं करेंगे, हम अपने लेवल पर इसमें काम करा देते अगर प्रशासन नहीं करता तो। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रशासन ने ये कमेटी के ईओ साहब बलबीर जी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी और भाई साहब ने, बलबीर जी ने कहा था कि हम या कल या परसों 2 दिन में ये बात तैयार करवा देंगे, लेकिन उन्होंने आज तैयार करवा दी। और मेरी अब भी बात हुई है, मैंने उनका बलबीर जी का ईओ साहब है कमेटी में कैथल, तो उनका धन्यवाद किया कि आपने तीसरा ही दिन इसको दीवार को लगा करो बिल्कुल पहले जैसी बना दी। अभी सिर्फ पेड़ ही पड़ा है यहाँ पर, पेड़ भी वो कह रहे कि पेड़ आज या कल को जैसी भी आ जाएगी और इसको उठा देंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कैथल के मीडिया का और जिला प्रशासन का, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह हमारी आवाज़ सुनी और आज इसको तैयार कर दिया। और फिर वही ये दीवार वैसे ही तैयार हो गई जैसे वो पहले तैयार थी और सुंदर तैयार हो गई जी। ये राजू डोर जी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, मैं बता दूँ आपको कमेटी चौक का ये प्रमुख जो चौक है विकास भारद्वाज, जो सुरक्षा बल में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, खुद इसका उद्घाटन या कहें शिलान्यास लोकार्पण उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किया गया था 4 फरवरी 2004 को। और अभी मौके पर आप देख सकते हो कि मजदूर मौजूद हैं और मिस्त्री जो है अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं बलबीर जी जो ईओ जी हैं कमेटी में, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नोटिस में जैसे ही आता है, नॉलेज में जैसे ही ये काम आता है वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं और काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको ये दीवार पहले जैसे मिलेगी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया था और कहीं ना कहीं इस खबर का ही असर आज देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये कैथल वासियों की जीत है, शहर वासियों की जीत है, हमारे दर्शकों की जीत है। और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, अपना विश्वास हम पर बनाए रखें और हम इसी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है आपको खड़े हुए दिखेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। मैं हूं कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।